बचपन में कई सारे टीवी चैनल्स ऐसे थे जिन्होंने हमें हॉलीवुड मूवीज के नाम पर बहुत सारी एशियन मूवीज चिपकाई थी एंड थैंकफुली उनमें से एक था शाओलिन सॉकर, जिसे देखकर बचपन में मेरी हंसते हंसते सुसू निकल आई थी। एंड डेफिनेटली मेरे जैसे कई और लोगों का भी इस मूवी के साथ एक बहुत ही बेहतरीन नॉस्टैल्जिया जुड़ा होगा। आज उसी नॉस्टैल्जिया की खातिर जान लेते हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग ऑसम द शाओलिन सॉकर फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि इस मूवी से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो शायद आपको न मालूम हो, जैसे कि शाओलिन सॉकर का ओरिजिनल आइडिया किस एनिमे से लिया गया था, शाओलिन सॉकर को आखिर अमेरिका में इतना ज्यादा पायरेट क्यों किया गया था, क्यों शाओलिन सॉकर एक्चुअली चाइना के अंदर बैन हुई थी, और शाओलिन सॉकर का सेकंड पार्ट अब तक क्यों नहीं आया, और ये कैसा होने वाला था। वेल, तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और स्टूडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। शाओलिन सॉकर की अगर बात की जाए तो इस मूवी के अंदर सिंह का रोल प्ले करने वाले स्टीफन चाओ ही इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर दोनों थे, और बेसिकली उन्हें इस मूवी का इंस्पिरेशन कहां से आया था इसके बारे में उन्होंने प्रीमियर मैगजीन में एक्सप्लेन किया था, जहां पर उनके हिसाब से हांगकांग में एक्चुअली जापानीज एनिमे टीवी शो कैप्टन सुभासा पुराने टाइम्स में काफी ज्यादा फेमस था, जिसे बच्चों के साथ साथ बड़े भी काफी पसंद किया करते थे, और वो बेसिकली लाइव एक्शन में कुछ ऐसे ही मूवी बनाना चाहते थे लेकिन विथ अ ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट था कम फू को इंक्लूड करना। और अपने दिमाग में कई सालों तक इस ख्याल को रखने के बाद जब CGI रियल वर्ल्ड के अंदर और बेहतरीन होने लगा, तब वो फाइनली साल 2001 में इस मूवी को एक्चुअली लेकर आ पाए। इस मूवी के अंदर हमें बहुत सारे चाइनीज फनी कैरेक्टर्स देखने को मिले थे, और स्टीफन चाओ के कंफू हसल मूवी के अंदर बहुत सारे चाइनीज एक्टर्स की शुरुआत इसी मूवी से हुई थी, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उनमें से ज्यादातर प्रोफेशनल एक्टर्स थे भी नहीं। एग्जाम्पल के रूप में लैम ची चंग, जिन्हें इस मूवी के अंदर लाइट वेट बुलाया गया था, वो बेसिकली स्टीफन चाओ के इस मूवी के स्क्रीन राइटर थे। वहीं पर डैनी चैन कुओक्वान, जिन्हें इस मूवी के अंदर एम्प्टी हैंड बुलाया गया था, वो बेसिकली इस मूवी के अंदर डांस कोरियोग्राफर थे, और माइकल जैक्सन का नंबर उन्होंने ही कोरियोग्राफ किया था। साथ ही साथ टिन कालमैन, जिन्हें आयरन शर्ट बुलाया गया था, वो बेसिकली स्टीफन चाओ के प्रोडक्शन मैनेजर थे, और उन्होंने पहले भी कुछ मूवीज के अंदर छोटे मोटे रोल प्ले किए थे। अब ये मूवी एशियन कंट्रीज के अंदर पॉपुलर तो हुई ही थी, बट ये मूवी उस जमाने में ऑफिशियली नॉर्थ अमेरिका में रिलीज नहीं हुई थी, बट फिर भी वहाँ भी ये मूवी काफी पॉपुलर हुई थी। और जैसा कि साल 2001 एक नया जमाना था इंटरनेट का, लोगों ने उसी जमाने में इस मूवी को अनऑफिशियली पायरेट करना शुरू कर दिया था, जहाँ पर मीरा मैक्स स्टूडियोज इस मूवी को एक्चुअली किसी कारण की वजह से 2 साल तक नॉर्थ अमेरिका में रिलीज नहीं कर पाई थी, जिसके कारण वर्ड टू माउथ के चलते बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को पायरेट करना शुरू कर दिया था, और मूवी के ऑफिशियल रिलीज से पहले ही अमेरिका के अंदर इसकी कल्ट फॉलोइंग बेस बन गई थी। वैसे अमेरिकन वर्जन में भी इस मूवी के अंदर अपनी आवाज स्टीफन चाओ ने ही दी थी, लेकिन वहीं पर इटालियन वर्जन के अंदर मार्को देलवेची, दामिनो तोमासी, एंजिलो पेरुजी और विंसेंट कांडेला जैसे प्रोफेशनल फुटबॉलर्स को इस रोल के लिए चुना जा रहा था, बट फाइनली इस रोल को सिनिसिया मिहाज लोविक ने प्ले किया। ऑफ कोर्स इस मूवी को यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर DVDs में डिस्ट्रीब्यूट तो किया गया था, बट इस मूवी के ओरिजिनल 23 मिनट्स को इसमें से हटा दिया गया था। साथ ही साथ पहले इंटरनेशनल वर्जन के अंदर इस मूवी का नाम कंग फू सॉकर होने वाला था, लेकिन यहाँ पर स्टीफन चाओ ने इस चीज को रिजेक्ट किया और यहाँ पर इसे शाओलिन सॉकर किया। इस मूवी के अंदर हमें एक सीन के अंदर एक लड़की को केले के छिलके पर फिसलते हुए दिखाया जाता है, जिसे सिंह और फंग अपने सामने गिरते हुए देखते हैं। बट क्या आपको मालूम है कि एक्चुअली पहले स्टीफन चाओ के कैरेक्टर सिंह की एक लव इंटरेस्ट के रूप में दिखाई जाने वाली थी, बट इस पर्टिकुलर सीन में ही इस एक्ट्रेस ह्यूली ने इतना बुरा परफॉर्म किया था कि उन्हें 60 रीटेक्स देने पड़े थे, और स्टीफन चाओ उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे, जिसके कारण उन्होंने उनके कैरेक्टर को इस मूवी के अंदर बहुत ही छोटा कर दिया। वहीं पर इस मूवी के अंदर मोई के कैरेक्टर को प्ले करने वाली वेई जाओ मूवी में आगे जाकर शेव्ड हेड के साथ दिखती हैं, जिसे एक्चुअली मूवी के अंदर प्रैक्टिकली दिखाया गया था, और उन्होंने इस मूवी के लिए अपने बालों को शेव नहीं किया था, जिसके कारण तकरीबन 8 से 10 घंटे उन्हें अपने बालों को शेव हेड के रूप में मैनेज करने में ही लगते थे, और यहाँ पर मेकअप चेयर पर उन्हें इतना वक्त बिताना पड़ता था। मैट्रिक्स मूवी के आने के बाद बुलेट टाइम सीक्वेंसेस काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे, और जैसा कि देखा गया है कि स्टीफन चाओ अपनी मूवीज के अंदर हॉलीवुड से कई सारे इंस्पिरेशन हमेशा लेते हैं, उन्होंने मैट्रिक्स मूवी के बुलेट टाइम सीक्वेंस को भी इस मूवी के अंदर अडॉप्ट किया। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस सीक्वेंस के लिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 ही कैमरास का इस्तेमाल किया है।
जैसा कि इस मूवी के अंदर स्पोर्ट्स पर फोकस किया गया है, प्यूमा के प्रोडक्ट्स को आप हर जगह पर नोटिस कर सकते हैं, जो बेसिकली उस समय इस मूवी के ऑफिशियल स्पॉन्सर बनी थी, जहां पर आप इस मूवी के अंदर फुटबॉल, बूट्स, प्लेयर्स और कई सारे छोटे मोटे एड्स भी आप इस मूवी के अंदर नोटिस कर सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको डैनी चैन क्वॉक क्वान के बारे में बताया था, जिन्होंने इस मूवी के अंदर माइकल जैक्सन के डांस नंबर को कोरियोग्राफ किया था, और वो इस मूवी के अंदर एक्चुअली ब्रूस ली जैसे दिखने वाले गोलकीपर के रूप में भी देखने को मिले थे। बट क्या आपको मालूम है कि ब्रूस ली के रूप में उनका यही एक कैरेक्टर नहीं था, बल्कि इप मैन 3 और इप मैन 4 मूवी के अंदर भी उन्होंने ब्रूस ली के कैरेक्टर को प्ले किया है। अब इस मूवी के रिलीज के दौरान ये मूवी इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई थी कि इसके ऑफिशियल कॉमिक बुक को भी रिलीज किया गया था, जिसमें चाइनाज के अंदर ही इसकी चाइनीज मैन हुआ यानी चाइनीज मांगा मूवी के रिलीज के ठीक 9 महीने बाद रिलीज हुई 2001 में। इसके अलावा साल 2003 में जाकर इसका एक अमेरिकन वर्जन भी आया था, जिसे एंडी सातू ने लिखा था, बट इसका कोई खास क्रिटिकल रिसेप्शन अमेरिकन ऑडियंस और रीडर्स की तरफ से नहीं मिला। प्लस यहां पर मूवी की 80% अडॉप्टेशन और 20% ही न्यू कंटेंट्स थे। साथ ही साथ ये स्टीफन चाउ की कॉमेडी स्टाइल को मांगा के अंदर अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही थी। बात करेंगे इस मूवी के अवार्ड्स और नॉमिनेशन की, तो इस मूवी को बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जैसे कि ब्लू रिबन अवार्ड्स का बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, साथ ही साथ इसे 38th गोल्डन हॉर्स अवार्ड्स के अंदर बेस्ट एक्शन कोरियोग्राफी और बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए भी अवार्ड दिए गए। साथ ही साथ इस मूवी को 7th गोल्ड बाहुविनिया अवार्ड्स के अंदर बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए अवार्ड दिए गए। साथ ही साथ इसे 21st हांगकांग फिल्म अवार्ड के अंदर बेस्ट साउंड इफेक्ट और बेस्ट विजुअल इफेक्ट का अवार्ड दिया गया। वहीं पर हांगकांग फिल्म क्रिटिक सोसाइटी अवार्ड के अंदर इसे बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला। वहीं पर अगर बात करें कमाई की, तो उस जमाने में इस मूवी को $10 मिलियन के हिसाब से बनाया गया था, और इस बजट पर इसने वर्ल्ड वाइड $42 मिलियन की कमाई की, जहां पर उस जमाने में $60 मिलियन हांगकांग डॉलर्स के साथ ये हांगकांग की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी थी। लेकिन इतने सारे बेहतरीन सक्सेस के बावजूद भी इस मूवी को आखिर चाइना में बैन क्यों किया गया था? वेल, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि चाइना की नेशनल रेडियो एंड टेलीविजन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मूवी के टाइटल से काफी ज्यादा आपत्ति जताई थी, और उनके हिसाब से शाओलिन सॉकर मूवी अपने टाइटल के साथ शाओलिन मंक और बुद्धिस्ट का मजाक बना रही है, और उन्होंने अपनी तरफ से इस मूवी के टाइटल को कुंग फू सॉकर में चेंज करने के लिए स्टीफन चाउ को ऑर्डर किया था। बट यहाँ पर स्टीफन चाउ इस चीज के लिए नहीं माने, जिसके कारण इस मूवी को चाइना के अंदर फिल्म करने से 1 साल तक के लिए बैन किया गया था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर शाओलिन सॉकर 2 कभी बनी क्यों नहीं? वेल, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि स्टीफन चाउ अपनी मूवीज के साथ काफी ज्यादा लंबा समय उन्हें डेवलप करने में बिताते हैं। ऐसे में जब तक उनके लिए सीक्वल का सेंस नहीं बनता, वो उन पर काम नहीं करते हैं। बट लकीली उन्हें इसके सीक्वल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया आया है, जहां पर 2019 तक उन्होंने इस बात को अनाउंस किया था कि वो बेसिकली एक वुमन सेंट्रिक शाओलिन सॉकर 2 के स्क्रिप्ट को फाइनलाइज कर चुके हैं, और वो बेसिकली इंटरनेशनल कास्ट को इस मूवी के लिए ढूंढ रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि वो कुंग फू हसल 2 पर भी काम कर रहे हैं। बट भाई, 2019 से लेकर 2023 आ गया, बट कुछ भी नया सुनने को हमें नहीं मिला अब तक। खैर, उम्मीद करता हूँ कि इस मूवी की खबर हमें जल्दी से जल्दी सुनने को मिल जाए। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप कुंग फू हसल मूवी के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो उस वीडियो को मैंने सालों पहले ऑलरेडी बना दिया है, उसका लिंक भी आपको आई बटन पर मिल जाएगा। बाय द वे, कमेंट्स में बताइए कि आप और क्या क्या जानते हैं इस मूवी के बारे में, और आप और दूसरे कौन से फैक्ट जानना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही ऑसम वीडियोस लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।